हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम आपके लिए गणित विषय का नमूना प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प बताइए। प्रश्न आगे शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस पेपर के द्वारा तैयारी कर सके। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 है। यहाँ जो वैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं ये 11 प्रश्न हैं एक एक नंबर के। पहला इसमें पूछा है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, वो बताना है ऑप्शन में से। नंबर 2, कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि, तो इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। प्रश्न 3 है, संख्या 16 का वर्ग संख्या बतानी है। 16 की वर्ग संख्या क्या है? 196 यानी 196, 256, 361 या 160। इनमें से आपका सही ऑप्शन जो है वो आपको नोटबुक में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 4, संख्या 25 का वर्ग मूल बताना है आपको। 625 है या 125 है, 5 है या 15 है। प्रश्न संख्या 4, संख्या 25 का वर्ग मूल है, यहाँ 25 का वर्ग मूल बताना है। 625 है या 125 है या 5 या 15। प्रश्न 5, 10³ का मान क्या है? 30 या फिर 10 या 100 या 1000। इनमें से आपको सही आंसर नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 6, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ घन संख्या दे रखी है, इस घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो ये 4 ऑप्शन है, 2, 4, 8 या 16। इनमें से सही ऑप्शन नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 7, किसी सौदे में लाभ होता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्रय मूल्य तथा विक्रम मूल्य समान होता है या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही है उसे करना है। प्रश्न 8, समीकरण 6u = 24 में u का मान क्या है? 30, 4, 18 या 44। प्रश्न 9, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार, विकर्ण, लंब या वक्र रेखा। प्रश्न 10, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण का योग होता है, एक समकोण के बराबर, तीन समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर या चार समकोण के बराबर। प्रश्न 11 है, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको लिखना है, 100001 या 1-1। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 12 से 21 तक कोई 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ ये 7 प्रश्न हैं आपके, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 12 से 21, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार कितना है? 2 नंबर का। 12वां प्रश्न पूछा है, संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। प्रश्न 13 में संख्या 35 का वर्ग ज्ञात करना है। प्रश्न 14 में 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न 15, 5 पर क्यूब का मान ज्ञात करना है। 16 में यदि 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूर्ण कर सकते हैं,
ये बताना है। फिर प्रश्न नंबर 17 है, एक्स वाई वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणनफल ज्ञात करो। प्रश्न 18, दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये है आपका समांतर चतुर्भुज जिसमें एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 19, किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। चित्र बनाना है समलंब चतुर्भुज का, माप कोई सा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, बीजीय व्यंजक 2x² प्लस 9x माइनस 10 तथा 5x² माइनस 5x प्लस 5 का योग ज्ञात करना है। प्रश्न 21 में आपको संख्या 18 का घन ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का अंक भार 3 है। 5 प्रश्न होंगे यहाँ, जो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। तो प्रश्न संख्या 22, 4000 का एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ये भी आपको बताना है। तो मैथ्स में, गणित में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आधा आता है तो आधा ही करना है, क्योंकि पता है आपको, मैंने एक वीडियो भी तैयार किया था इसके लिए कि बोर्ड परीक्षा में अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग नंबर अंकित होते हैं। तो जितना आपको आता है उतना ही करें, पर प्रश्न को छोड़े नहीं। प्रश्न नंबर 23, बीजीय व्यंजक पी, छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, 6p लिखा है, 6p माइनस 7 प्लस 5 को सरल कीजिए तथा p बराबर 1 के लिए उसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24, व्यंजक x प्लस 7 और x माइनस 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 25, 3y² प्लस 9y प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 26, व्यंजक के 18a² b प्लस 30ab² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से नंबर लाने चाहिए, कैसे नंबर मिलते हैं, उसको आप जरूर देखिएगा वीडियो में। प्रश्न नंबर 27 में, आलेख में प्रदर्शित बिंदु ABC के निर्देशांक लिखिए। यहाँ A, B और C के निर्देशांक आपको लिखने हैं। नीचे नंबर लिख रखे हैं 0 से लेकर के 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ 1, 2, 3। तो इस प्रश्न को नोटबुक में हल करें। प्रश्न 28, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाना है। पेन की संख्या दे रखी है यहाँ 1 से 5, मूल्य दे रखा है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये। तो पैमाना मानते हुए आपको ये आलेख बनाना है। प्रश्न 29, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य ₹1600 है। यदि इसे ₹1200 में बेचा जाता है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 30, समीकरण दिया हुआ है जिसे आपको हल करना है। यह अथवा में है और ये 5 नंबर का प्रश्न है। इन दोनों में से जो सबसे अच्छा प्रश्न आता है वो आपको करना है। अथवा में जो प्रश्न है वह शंभु और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और अब से 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात हो गया है 3:4। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न 31, एक घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसे डिब्बे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपके
पांच नंबर का प्रश्न है, अथवा में आ रखा है, दो में से एक करना है। अगला इसमें अथवा में जो है वो है, एक बेलनाकार पाइप जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।